अब हम वियोजन अभिक्रिया के ही कुछ और उदाहरण देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब ताप की उपस्थिति में जब इसका ऊष्मीय अपघटन होता है या ये वियोजित होता है, तो फेरस सल्फेट के वियोजन से आयरन का ऑक्साइड बनता है। इसको हम Fe2O3 के रूप में लिखते हैं। साथ ही SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो जब हम इसे रिएक्शन के रूप में लिखते हैं, अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे, तो FeSO4 इज इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर हम FeSO4 यानी फेरस सल्फेट के दो अणु लेंगे, तब जाकर ये रिएक्शन जो है वो संतुलित होता है। तभी Fe2O3 SO2 और SO3 बनता है। तो 2FeSO4 से ये सारे जो उत्पाद हैं ये बनते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा अणु जो है वो विघटित होकर तीन छोटे अणुओं में परिवर्तित हो रहा है। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। अन्य उदाहरण में हम देखते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट जब वियोजित होता है तो लेड ऑक्साइड PbO बनेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पर जब इसका संतुलित समीकरण हम लिखेंगे तो लेड नाइट्रेट के दो अणु लेना होगा, 2PbNO3 होल ट्वाइस इज इक्वल टू लेड ऑक्साइड के भी दो अणु बनेंगे 2PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चार अणु बनते हैं 4NO2 प्लस ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो लेड नाइट्रेट है वह वियोजित होकर लेड ऑक्साइड साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के अणु में ये परिवर्तित होता है। इसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो सिल्वर क्लोराइड है वह अपघटित होता है, वियोजित होता है और वियोजित होकर सिल्वर एवं क्लोरीन गैस बनाता है। तो 2AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये सूर्य के प्रकाश में होती है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड अपघटित होता है, वियोजित होता है और Ag एवं Cl2 में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक जो है वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़े अणु का विघटन होता है और इस प्रकार का जो वियोजन है वह कुछ वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में होती है और कुछ वियोजन विद्युत धारा के प्रवाहित करने से होती है। और कई ऐसे अभिक्रियाएँ भी हैं जहाँ पर किसी प्रेरक की उपस्थिति में भी वियोजन होता है। तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है या अभिक्रिया जो है वो किन परिस्थितियों में होती है, तभी एक बड़ा अणु अपघटित होता है, वियोजित होता है और छोटे छोटे अणुओं में यह परिवर्तित होता है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले, उसे समझने से पहले एक हम क्रियाकलाप को करके देखेंगे। इस क्रियाकलाप में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार लोहे की कील को लिया जाता है और लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं और कॉपर सल्फेट में डालने पर उस कॉपर सल्फेट के रंग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आइए अब हम इस क्रियाकलाप को करके देखें। हेलो बच्चों, इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे क्रियाकलाप किए हैं। चलिए हम भी एक क्रियाकलाप करते हैं और इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया के एक और प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसमें है, सबसे पहले ये देखिए, एक लोहे की कील मेरे हाथ में है जो इस प्रकार धागे से बंधी हुई है। लोहा मतलब आयरन। आयरन का रासायनिक संकेत तो आप लोग जानते ही होंगे, हाँ जी बिल्कुल, Fe। इसी के साथ मेरे पास यहाँ परख नली में देखिए ये नीले कलर का विलयन आपको दिखाई दे रहा है, यह है कॉपर सल्फेट जिसे हमने समान सांद्रता में लिया हुआ है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4। तो चलिए हम अपने क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम किसी एक परख नली को ऐसे ही अवस्था में छोड़ देते हैं और दूसरी परख नली में इस धागे से बंधी हुई लोहे की कील को विलयन में इस प्रकार से डुबाएंगे कि वह पूरी तरीके से डूब जाए। पर बच्चों सावधानी ये रखें कि हमें लोहे की इस कील को रेतमल पेपर से अच्छे से रगड़कर साफ करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसे डुबा दें।
30 मिनट के लिए इस प्रकार परख नली में डुबाकर रख देते हैं। तो इस तरह हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 30 मिनट के लिए डुबाकर छोड़ दिया है। अब हम बिल्कुल 30 मिनट के बाद वापस आकर देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो बच्चों चलो अब हम 30 मिनट बाद इस कील में हुए परिवर्तन को देखते हैं। देखिए इसे मैं इस तरीके से इस विलयन से बाहर निकाल लेती हूँ और अब एक दूसरी कील से जिसे हमने विलयन में नहीं डुबाया था इससे इसकी तुलना करते हैं। देखिए तो क्या आप इसमें कोई परिवर्तन देख पा रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि इस कील में एक तांबे का रंग का लेयर दिखाई दे रहा है हमें, है ना? और इसके साथ ही ये जो परख नली में हमने कॉपर सल्फेट रखा हुआ था इसमें से ये जो अपनी पूर्व अवस्था में था इसका रंग तो वही है, लेकिन जिसमें हमने कील डुबा रखी थी उसका रंग हल्का हो गया है। इसके पीछे कारण यह है कि जो आयरन होता है वह कॉपर से अधिक सक्रिय होता है, इसलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और वही कॉपर जो है वो हमारी इस कील में ऊपर परत के रूप में चढ़ा हुआ है और इसी वजह से परख नली के विलयन का जो रंग है वो भी हल्का हो गया है। क्योंकि आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि किस प्रकार कील की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वह हल्का पड़ गया। कॉपर सल्फेट के नीले रंग की जगह पर यहाँ पर एक हल्का भूरा रंग हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसका विस्थापन हो गया लोहे के द्वारा, आयरन के द्वारा। तो इस प्रकार की जो विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम एकल विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि Fe यानी लोहे की कील को हम यहाँ पर Fe के रूप में लिख रहे हैं प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लोहा है Fe है वह कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं कॉपर का स्थान ले लेता है यानी FeSO4 बन जाता है। तो इस प्रकार से जो नीला रंग है वह परिवर्तित हो गया FeSO4 के बनने के कारण। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया को भी हम इसे एकल विस्थापन के रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो एकल विस्थापन जो है उसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, एकल विस्थापन यानी एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है इसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोहा जो है वो कॉपर का स्थान ले लिया और FeSO4 में परिवर्तित हो गया और कॉपर अलग हो गया। तो निश्चित रूप से जो ये लोहा है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होगा, इसी वजह से लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। तो जो भी अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वे अपने से कम क्रियाशील तत्व के जो यौगिक होते हैं उनको उनके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार जो तत्वों की क्रियाशीलता है वह भी इस विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जो कम क्रियाशील तत्व हैं वे अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिक में से अलग हटा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और उदाहरण देखेंगे जिसमें अलग तरह के रिएक्शन भी होते हैं। यहाँ पर हमने क्रियाकलाप जब एक देखा पाठ की शुरुआत में, वहाँ पर हमने देखा कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर जैसे ही जिंक डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इस रिएक्शन को हम लिख कर देखेंगे, Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, यानी जिंक को जब HCl में डालते हैं या HCl और जिंक की जब क्रिया होती है
तो ये क्या बनता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ZnCl2 बना और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर इस समीकरण को जब हम संतुलित करेंगे तो HCl की जगह पर हम 2HCl लिखते हैं, क्योंकि इस तरफ उत्पाद की तरफ हम देख रहे हैं कि ZnCl2 बनता है। तो यहाँ पर रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हम HCl की जगह 2HCl लिखते हैं। तो ये जो जिंक है वह हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्लोराइड में से विस्थापित कर देती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक HCl में से H को विस्थापित कर देती है, तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है। इसी कारण जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन गैस के रूप में हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रही है, यानी अलग कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है और जिंक क्लोराइड एक लवण बनता है। तो इस अभिक्रिया को हमने क्रियाकलाप में करके देखा था और यहाँ पर हमने इस अभिक्रिया के प्रकार को समझा कि जिंक और HCl की जब क्रिया होती है तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के रूप में वर्गीकृत की जाती है। एकल विस्थापन को हमने जाना कि एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी तत्वों का तत्वों के द्वारा विस्थापन होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं जिसमें कि सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डाला गया। तो सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना, तो बेरियम सल्फेट में बेरियम 2+ और सल्फेट 2- है। सोडियम सल्फेट यदि देखें तो Na+ और SO4 2- है। बेरियम क्लोराइड को यदि हम आयनित रूप में देखें तो बेरियम 2+ और Cl- है। यदि हम Cl के दो परमाणु को यहाँ पे आयनित रूप में देखेंगे तो 2Cl- होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयनों का आयनों के द्वारा विस्थापन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों यौगिक हैं, दोनों जो आयनिक यौगिक हैं, दोनों आयनिक यौगिक में धन आयन एवं ऋण आयन अलग अलग है। तो दो विपरीत आयन एक दूसरे से सहयोग करते हैं। दोनों ही यौगिकों के दोनों दोनों विपरीत आयनों का एक दूसरे से संयोग होता है, या कहें आदान प्रदान होता है, और इस प्रकार से एक अलग युग्म का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उनमें से एक विपरीत आयनों का जो युग्म है वो विलयन से अलग हो जाता है। तो निश्चित रूप से जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे और आयनित रूप में इसे देखेंगे तो यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे Na2SO4 plus BaCl2 is equal to BaSO4 plus 2NaCl है, ये हमने देखा। लेकिन ये कैसे बना? तो सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज, बेरियम के ऊपर 2+ और क्लोरीन के ऊपर यदि हम इसे ऋणावेशित रूप में लेंगे तो ये क्लोराइड होगा Cl-। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सोडियम में एक प्लस और Cl में एक माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस दोनों में समान संख्या में आवेश है लेकिन विपरीत आवेश है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो Na+ और Cl- जब संयोग करते हैं तो एक अलग युग्म बन जाता है NaCl का, NaCl यौगिक बन जाता है। वहीं पर हम देख रहे हैं यहाँ बेरियम पर 2+ है और सल्फेट में 2- है, तो यहाँ भी बेरियम धनायन और सल्फेट ऋणायन है, दोनों में समान आवेश है लेकिन दोनों में समान परंतु विपरीत आवेश है। तो दो धनायन दो ऋणायन को यहाँ पर उदासीन कर देता है और एक नया यौगिक नया युग्म बन गया यहाँ पर दो विपरीत आयनों के संयोग से, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो अलग अलग यौगिक हैं अभिकारक में और दोनों यौगिकों में आवेश जो है वो अलग अलग है, दो प्रकार से है, धनायन और ऋणायन, और इनके आयनों के आदान प्रदान से एक नया युग्म बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर दोनों ही यौगिक में दोनों प्रकार के आयनों का विस्थापन हो रहा है, तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे ही अन्य उदाहरण है द्विविस्थापन के। इसमें से एक उदाहरण हम देखते हैं कि लेड नाइट्रेट जो है, ये लेड नाइट्रेट
जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करती है, तो पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करने पर लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है। तो चूंकि इन अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं कि अवक्षेप का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अवक्षेपीकरण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो लेड नाइट्रेट जो है, यहाँ भी हम देखेंगे कि Pb2+ है और नाइट्रेट पर एक माइनस चार्ज है, तो Pb2+ और NO3-, और पोटेशियम आयोडाइड में भी एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ दोनों विपरीत आवेश वाले जो धनायन और ऋणायन जो भी आवेश वाले यौगिक हैं, इनके एक्सचेंज होने से PbI2 बना, लेड आयोडाइड बना, और KNO3 बना, यानी पोटेशियम प्लस और NO3-। तो इस प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड बनता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यौगिक बने हैं, उन यौगिकों में भी दो अलग अलग यौगिकों के दो विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य आदान प्रदान हुआ और उसकी वजह से ही अवक्षेप का निर्माण हुआ। ऐसे ही हमने बेरियम सल्फेट के बनने को भी देखा था। बेरियम सल्फेट में भी बेरियम सल्फेट जो है वह अवक्षेप के रूप में बना, तो वह अभिक्रिया भी अवक्षेपीकरण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। ऐसे ही हम एक और उदाहरण देखेंगे जिसमें कि आयनों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया का जो वर्ग है या प्रकार है वह बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया में जिस प्रकार से क्रिया होती है उस आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो निश्चित रूप से इन अभिक्रियाओं में द्विविस्थापन अभिक्रिया ही हो रही है, लेकिन एक अन्य वर्ग हम यहाँ पर देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही, जिसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल है और एक क्षार है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है और यही अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसके एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे ही HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है, तो यहाँ पर NaCl बना और जल बना। तो यहाँ पर आयनों का जो आदान प्रदान है वो किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। Na+ OH-, वैसे ही HCl में H+ और Cl-, तो Na+ और दूसरे यौगिक यानी HCl में से Cl-, ये दोनों आपस में आदान प्रदान करेंगे एक दूसरे से और यहाँ NaCl एक नए युग्म का निर्माण हुआ। इसी तरह NaOH में से OH- और H2O में से H+, तो H+ और OH- के संयोग से बनता है H2O। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NaCl बना और H2O बना, और यहाँ पूरी तरह से उदासीनीकरण की अभिक्रिया हुई, यानी अम्ल और क्षार की क्रिया से एक लवण और जल का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जानते हैं और ये अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है। अब हम कुछ ऐसी अभिक्रियाओं को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इनका प्रकार क्या है या इसे किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो यहाँ पर एक बड़ा अणु जिंक कार्बोनेट का अपघटित हो रहा है, वियोजित हो रहा है, और वियोजित होकर के जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो छोटे अणुओं में ये वियोजित हुआ। तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी क्रिया से बनता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर यानी जल बना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह अम्ल है और क्षार है और इनकी क्रिया से सोडियम सल्फेट बना, तो यहाँ सोडियम सल्फेट एक लवण है और जल है। तो वास्तव में ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया को फिर हम यदि अम्ल क्षार के रूप में इसे पहचान करेंगे, अम्ल क्षार की अभिक्रिया के रूप में इसे पहचान करेंगे, तो यह एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है। अब हम अगला एक रिएक्शन देखेंगे और इसके प्रकार को पहचानने का प्रयास करेंगे। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि
KBr plus barium iodide yani Ba(II) is equal to potassium iodide yani ki Ki bana plus barium bromide yani ki BaBr(II) bana. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पोटेशियम के प्लस, ब्रोमाइड यानी बी आर माइनस, बेरियम आयोडाइड यानी बी ए टू प्लस और आयोडीन के ऊपर आई माइनस है. दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उत्पाद में पोटेशियम आयोडाइड बना के प्लस और आई माइनस बना प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी बी ए टू प्लस प्लस बी आर माइनस. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयनों का आदान प्रदान हुआ, दो विपरीत आवेश वाले जो आयन से उनके आदान प्रदान से एक यौगिक बना, अवक्षेप बना. तो यह एक प्रकार से अवक्षेपीकरण अभिक्रिया भी है, साथ ही द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है. यहाँ पर हमने कुछ उदाहरणों को समझा और जिसमें हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया है या अवक्षेपीकरण अभिक्रिया है, इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया. और इसी आधार पे अन्य अभिक्रियाओं को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं. यदि वह रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है तो हम निश्चित रूप से आयनों के आदान प्रदान के आधार पर या उत्पाद के बनने के आधार पर, उत्पाद जो बनते हैं उनके गुणों के आधार पर, कि उत्पाद में यदि अवक्षेप बना तो अवक्षेपीकरण अभिक्रिया, यदि उत्पाद में कोई लवण है और जल बना है तो वह उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी. अब हम अभिक्रियाओं के एक अन्य वर्ग की ओर चलेंगे, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया. ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए भी हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करके देखेंगे. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बर्नर है और उसमें पोर्सलिन की प्याली ली गई और साथ ही इसके अंदर कॉपर चूर्ण लिया गया और इसे गर्म करते हैं. तो जब इसे गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर चूर्ण जो है वो पूरी तरह से काली हो जाती है या यह एक काले पदार्थ में परिवर्तित हो गया. तो ये जो काला पदार्थ है वो क्यों बना? क्योंकि जैसे ही कॉपर को गर्म किया गया और गर्म करने पर उसे ऑक्सीकृत, या हम कह सकते हैं कि वह ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन की क्रिया से जो कॉपर और ऑक्सीजन ही आपस में क्रिया करते हैं और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है. और ये जो काला पदार्थ है यह कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण ही इस पोर्सलिन डिश में हमें दिखाई दे रहा है. इस अभिक्रिया को हम संतुलित समीकरण के रूप में लिखेंगे. तो कॉपर प्लस O2, ऑक्सीजन को जब भी हम लिखते हैं तो द्विपरमाणु कणु के रूप में ही लिखा जाता है, O2 इज इक्वल टू CuO. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर के सामने भी दो लिखना होगा, तब जाकर ये पूरा जो रिएक्शन है वो संतुलित होगा. यदि हम इस तरफ भी 2CuO लिखते हैं तो इसका जो संतुलित समीकरण है वह इस प्रकार लिखा जाएगा, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO. तो इस प्रकार कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस गर्म पदार्थ पर जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो ये जो काली परत है वो भूरे रंग की हो जाती है. अब यहाँ पर ये भूरे रंग की क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड जो है वह अपना ऑक्सीजन खो देता है. यानी इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड भी बना और जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई, ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर इसमें से ऑक्सीजन उड़ गया. अब जब ये ऑक्सीजन चला जाता है, उड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में कॉपर ऑक्साइड के CuO में से O2 निकल गया तो शेष बचता है Cu. अब ये O2 जो निकला वो किस रूप में निकला? तो इस रिएक्शन को हम देखेंगे कि जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो यह कौन सा संतुलित समीकरण हमें दिखाई देता है? CuO प्लस H2 यानी CuO में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई तो Cu बना प्लस H2O बनता है. यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित की जा रही है वह CuO के ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण कर लेता है. तो दो अलग अलग परिस्थिति देखी हमने,
पहली परिस्थिति में हमने देखा कि कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो निश्चित रूप से चूंकि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो कॉपर जब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलने पर जल का निर्माण हुआ, जैसे ही उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर CuO में से ऑक्सीजन H2 से क्रिया करके H2O बना लेता है। तो यहाँ पर एक अन्य तरह का रिएक्शन होगा, जिसे हम इस तरह रूप में समझ सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और एक अपचयन अभिक्रिया, तो दोनों ही अभिक्रिया जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रही है। जब हम ऑक्सीजन परमाणु के निकलने और उसके जुड़ने के आधार पर इसे परिभाषित करेंगे तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है या ऑक्सीजन जुड़ता है, इन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, और जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन निकलता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ, और हाइड्रोजन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यानी H2O बना। तो इसलिए जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी CuO प्लस H2 को भी हम अलग तरीके से दर्शा सकते हैं कि CuO में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वह अपचयित हो रहा है, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि दो अलग अलग अभिक्रिया भी हो रही है साथ ही साथ, यानी एक ही अभिक्रिया में दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों पदार्थों में अलग तरीके से क्रिया हो रही है। एक यौगिक में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन निकल रहा है, दूसरे में हम देख रहे हैं, दूसरे अणु में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो साथ ही साथ एक अभिकारक ऑक्सीकृत हो रहा है और दूसरा अभिकारक जो है वो अपचयित हो रहा है। तो इन अभिक्रियाओं को, जिनमें कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होते हैं, यानी ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें एक ही अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों ही क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो जब इसे जोड़ा जाएगा तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन में से ऑक्स और यहाँ रिडक्शन में से RED लेते हैं, यानी रीड, तो रेड प्लस ऑक्स इज इक्वल टू रेडॉक्स, तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे हम और अच्छी तरह से समझेंगे, जैसे CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O बना। CuO में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ जो क्रिया हो रही है वह क्रिया हो रही है अपचयन। CuO से ऑक्सीजन निकला, इसलिए CuO में अपचयन की क्रिया हो रही है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो H2 से H2O का बनना ऑक्सीकरण है, CuO से Cu का बनना अपचयन अभिक्रिया है, तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। कुछ हम ऐसे उदाहरणों को देखेंगे जिसमें कि ऑक्सीकरण ही हो रहा है और कुछ ऐसे देखेंगे जिसमें कि अपचयन ही हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं H2 प्लस Cl2 से 2HCl बना, तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यह एक अपचयन अभिक्रिया हो गई। वहीं दूसरी ओर जिंक ऑक्साइड प्लस C इज इक्वल टू जिंक प्लस CO बना, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन होगा और कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक पदार्थ का अपचयन होता है। अपचयन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2
प्लस टू एच टू ओ प्लस सी एल टू। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मैग्नीज में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ इसका अपचयन हो रहा है, और एच सी एल में एच में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एच सी एल का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड में, जो जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करता है, तो कार्बन ऑक्सीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। वही दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि MnO2 और HCl की क्रिया में जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी वहाँ अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, जबकि HCl का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और जल में परिवर्तित हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है यानी HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है और MnO2 का अपचयन हो रहा है, तो इन्हें भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ हमने देखा HCl का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन ग्रहण करके H2O में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं हमें साथ साथ होती हुई दिखाई दे रही है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का या दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो इन उदाहरणों में हमने ये देखा कि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया, इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी दोनों परिभाषा को हम एक रूप में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना यह होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी ओर यदि हम अपचयन को परिभाषित करेंगे तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ग्रहण करना या ऑक्सीजन त्याग करने की प्रक्रिया, इसे हम अपचयन कहते हैं। तो परिभाषित करेंगे किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण होगी। इसके विपरीत यदि हम अपचयन को समझेंगे तो किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ग्रहण होना और ऑक्सीजन के त्याग करने की प्रक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पर यदि ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करते हैं तो वह कैसे होगी। लेकिन ये पाया गया है कि कई अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो इन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन की अवधारणा दी। इलेक्ट्रॉन की अवधारणा के द्वारा भी अपचयन और ऑक्सीकरण को समझाने का प्रयास किया गया, तो इसे भी हम समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन की क्रिया मैग्नीशियम से होती है, जब हमने मैग्नीशियम रिबन के क्रियाकलाप को देखा था तो वहाँ पर हम देखा था कि मैग्नीशियम रिबन वायु की उपस्थिति में जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद राख बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो वो कैसे बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने के पीछे भी हम इलेक्ट्रॉन की अवधारणा को देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है उसके बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 12 है और इसके बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन है। वहीं दूसरी ओर जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 8 है, यानी ऑक्सीजन 8, 2 और 6। तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसे वो त्याग देता है और त्याग देकर मैग्नीशियम का धनायन बनता है। तो मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन निकला, मैग्नीशियम 2 प्लस बना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बगल में हम लिख 2 इलेक्ट्रॉन हम उसके साथ में लिखते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर हमने दो धनावेश लगाया है। तो Mg इज इक्वल टू Mg 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है मैग्नीशियम के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग देने की जो क्रिया होती है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण कर लिया गया, तो O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू O 2 माइनस बना। O 2 माइनस ये दर्शाता है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे अब वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लिए। तो यहाँ दो अलग अलग अभिक्रिया हम देख रहे हैं, एक में देखा हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने की क्रिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अपचयन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पचाना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन होगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया जो है यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं, मैग्नीशियम द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है। तो यह अभिक्रिया भी रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में पहचानी जाती है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी उसमें अपचयन की क्रिया हो रही है, दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन त्याग देने के आधार पर भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। हम कुछ और उदाहरण देखेंगे जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, जैसे Cu plus O2 is equal to CuO। इसी प्रकार में और एक हम धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करा रहे हैं, जैसे कि लोहा, तो 4Fe यानी लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, O2 के साथ क्रिया कर रहा है, तो Fe2O3 बना। इसे संतुलित करने के लिए हम Fe के सामने 4 लिखेंगे, 4Fe plus 3O2 is equal to 2Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बना, Fe2O3 यहाँ पे बनता है। यहाँ जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के उदाहरण को देखा अपचयन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पढ़ते समय, तो बहुत सारी अभिक्रियाओं को हमने अब तक जाना, तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई एक अभिक्रिया को हम अलग अलग अभिक्रिया के रूप में भी जान सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, जैसे यह एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत भी आती है, साथ ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत भी आ रही है। साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के रूप में भी पहचानी जाती है। तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा हमने ये समझा कि एक ही अभिक्रिया को हम कई वर्ग में भी उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, या उसे हम ये जान सकते हैं कि एक ही अभिक्रिया में कई सारी और अभिक्रियाएं भी होती हैं, उसकी पहचान जो है वो कई तरीके से की जा सकती है। तो निश्चित रूप से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह एक संयोजन अभिक्रिया ही है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और मैग्नीशियम धनायन में परिवर्तित होता है, साथ ही यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ उदाहरण को हम समझेंगे, जैसे प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है, तो प्राकृतिक गैस माने उसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे अगर मेथेन है उसका दहन हो रहा है यानी वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, वायु की उपस्थिति में दहन हो रहा है, तो वायु में ऑक्सीजन है, तो मेथेन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, जल भी बनेगा, लेकिन यहाँ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो मेथेन यानी एक हाइड्रोकार्बन का जब दहन होता है, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन्स है, तो उसका जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार एक जो नेचुरल प्रोसेस है श्वसन
और जो हरी सब्जी से खाद का बनना है तो ये भी एक प्रकार से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही होती है, क्योंकि बहुत सारी हरी सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसको लगातार लगातार यदि दबाते जाएंगे मिट्टी के अंदर, या बीच बीच में मिट्टी और अलग से गोबर वगैरह से अगर उसे दबा दिया जाता है, लेयर बना दी जाती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अलग तरीके से गर्मी या उसमें से ऊष्मा निकलती है और गैस निकलती है, तो ये भी एक प्रकार से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी हरी सब्जियों से खाद जब बनता है तो यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के रूप में इसकी पहचान की जा सकती है। यहाँ पर हम एक और क्रियाकलाप देखते हैं कि लेड नाइट्रेट में जब ऊष्मा दी जाती है या लेड नाइट्रेट का जब ऊष्मीय विघटन होता है तो लेड नाइट्रेट को गर्म किए जाने पर एक जो ज्वलन नली है उसमें हम लेड नाइट्रेट लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बनता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की गैस बनती है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। तो चूंकि लेड नाइट्रेट के विघटन से या इसका जब विघटन किया जाता है तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है, लेड नाइट्रेट का विघटन हो रहा है तो ऊष्मा की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं कि यह ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो जब किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक की जब क्रिया होती है और ऊष्मा दी जाती है तो वह छोटे छोटे अन्य अणुओं में विघटित होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ऊष्मा दी जा रही है, तब जाकर लेड नाइट्रेट का विघटन हो रहा है, तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम एक और अभिक्रिया देखेंगे जहाँ पर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड है उसे यदि पोर्सलिन की प्याली में रखकर थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, यानी सिल्वर क्लोराइड को जब पोर्सलिन की डिश में रख के सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है उसे नोट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड में से जो सिल्वर है तो सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है और सिल्वर धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का धूसर हो जाना या धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु में परिवर्तित हो जाना, इसे भी हम एक विघटन अभिक्रिया के रूप में देख रहे हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चूँकि इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो रही है तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो रही है यानी ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है तो यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत भी इसे हम कह सकते हैं। साथ ही हम AgCl से Ag और Cl2 का बनना एक वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत भी पढ़े हैं। तो एक ही अभिक्रिया को कई अलग अलग वर्गों के रूप में भी हम विभाजित कर सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में परिवर्तित होती है। तो चूँकि ये जो अभिक्रिया है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं कि चूँकि प्रकाश की उपस्थिति में विघटन हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में ही रासायनिक क्रिया संपन्न हो रही है इसलिए इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें हम देख रहे हैं कि अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, प्रकाश की आवश्यकता है या विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता है तो किसी न किसी रूप में हम इन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा दे रहे हैं अलग अलग रूपों में, चाहे हम ताप के रूप में दे रहे हैं या प्रकाश के रूप में या विद्युत के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं तो इन अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिन्हें संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया के संपन्न होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो भी समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है
तो इन रासायनिक समीकरणों को और अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए समीकरण को किस ढंग से लिखा जाता है इसे समझेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जो क्रिया करते हैं उसे हम क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, और क्रिया करने के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे अभिकारकों की क्रिया होती है और अभिकारक किस अवस्था में है, किस प्रकार की भौतिक अवस्था है उसकी, किस प्रकार से उसमें ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से गैस निकलता है, अवक्षेपण होता है या अन्य कोई भी परिस्थिति हमें देखने को मिलती है किसी अभिक्रिया में, तो उसे जब हम रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो उसे कैसे बहुत अधिक इन्फॉर्मेटिव या सूचनात्मक बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए अलग अलग ढंग से अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है, तो हम अलग अलग वर्गों में इसे पढ़ेंगे। जैसे अगर किसी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है और उसकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है, तो भौतिक अवस्था में जैसे ठोस, द्रव और गैस, यदि ठोस, द्रव, गैस है तो गैस को हम जी से, द्रव को एल यानी लिक्विड, और सॉलिड ठोस को हम स्मॉल एस से दर्शाते हैं। और यदि मान लीजिए जलीय विलयन है तो उसे एक्यू यानी एक्वस के रूप में दर्शाया जाता है। यदि हम भौतिक अवस्था वाले किसी अभिक्रिया को लिख कर देखें तो वो इस प्रकार से होगा। जैसे एक उदाहरण हमने देखा, लेड नाइट्रेट का विघटन होता है तो लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसकी भूरी गैस बनती है, साथ ही ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इसे हम गैस बनता है या गैस यहाँ बन रही है, तो उससे सूचनात्मक बनाने के लिए जो भी उत्पाद है जहाँ गैस बन रहा है तो वहाँ हम O2 के नीचे जी लिख देंगे, NO2 के नीचे भी हम जी लिख देते हैं, इससे ये पता चलता है कि NO2 एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। साथ ही जो लेड नाइट्रेट है यह ठोस रूप में है, इसलिए इसके नीचे हम S ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटे से ब्रैकेट में इसे हम S के रूप में लिखेंगे। और इसके विघटन से लेड ऑक्साइड बना, तो जो लेड ऑक्साइड है वो भी ठोस रूप में है, तो PbO के साथ हम S शो करते हैं। साथ ही इस तीर के निशान के ऊपर हमने ताप लिखा, तो इससे ये भी व्यक्त हो रहा है कि लेड नाइट्रेट जो ठोस रूप में है, इसको जब ताप की उपस्थिति में इसका तापीय विघटन हो रहा है तो लेड ऑक्साइड बना जो कि ठोस रूप में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना जो कि गैस रूप में है, और ऑक्सीजन बना जो कि गैस रूप में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं को अधिक सूचनात्मक जब बनाया जाता है तो अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए इसमें इस तरीके से चीज़ों को व्यक्त किया जाता है। दूसरा, हम यदि मान लीजिए अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या ऊष्मा ग्रहण की जा रही है तो उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो ऊष्मा में परिवर्तन को अभिव्यक्त करना, यानी कैसे ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया में। हम तो ये समझ रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, किसी अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जा रही है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, लेकिन इसे जब हम व्यक्त करेंगे अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस क्यू लिखते हैं, तो ये जो क्यू है ये ऊष्मा को दर्शा रहा है, और जब कोई रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है तो उसे हम प्लस क्यू के रूप में लिख रहे हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि उत्पन्न जो ऊष्मा है उत्पाद की ओर इसे लिखा जा रहा है और प्लस चिन्ह के साथ लिखा जा रहा है, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो N2 और O2 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी गैस है, तो उसे हम GG के रूप में लिख रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के नीचे भी हमने जी लिखा। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उत्पाद की तरफ यदि क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है तो क्यू के सामने ऋण चिन्ह लगाते हैं, तो ऋण चिन्ह के साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को व्यक्त किया जा रहा है, और धन चिन्ह के साथ यानी प्लस क्यू के साथ ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को व्यक्त किया जा रहा है। तो जितनी भी ऊष्मा यहाँ उत्पन्न हो रही है उसे हम अलग अलग चिन्हों के द्वारा दर्शा रहे हैं। अगला हम देखेंगे कि यदि किसी अभिक्रिया में गैस निकलती है और उसे रासायनिक समीकरण में अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए गैस को लिखना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा।
तो सामान्य देखते हैं कि जब भी कभी गैस बनती है तो गैस जो है वो हल्की है तो निश्चित रूप से वह ऊपर की ओर ही जाएगी। तो जब भी गैस के उत्पन्न होने को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसके ऊपर हम इस तरीके से तीर का निशान बना देते हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण के रूप में इसे समझेंगे। जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 बना। तो जो प्लस H2 बना है वह प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो बना, चूँकि गैस को हम किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तीर के निशान जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर हमने देखा कि जिंक है वह ठोस रूप में है तो S लिख दिए। H2SO4 चूँकि इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं यानी जलीय विलयन बनाते हैं तो इसके नीचे हम AQ लिखते हैं। इनकी क्रिया से बनता है जिंक सल्फेट, ये भी हमें द्रव रूप में प्राप्त हुआ, ये भी इसका भी हम देख रहे हैं कि जलीय विलयन है तो ये भी AQ लिखा जाएगा। प्लस H2 और H2 के साइड में हम लिखते हैं तीर का निशान जो कि ऊपर की तरफ है, जो ये दर्शाता है कि ये जो H2 बना यह गैस है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊर्ध्व तीर का निशान जो है यह अभिव्यक्त करता है कि इस अभिक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न हो रही है। अगला हम देखेंगे अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट का बनना। यदि किसी अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेप के बनने को हम कैसे दर्शाएंगे? तो हमने ये देखा है कि जब कभी भी अवक्षेप बनता है तो वह नीचे की ओर जमा होता है, यानी परखनली में यदि हम बेरियम क्लोराइड लिए हैं और सोडियम सल्फेट लिए तो इनकी क्रिया से बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बना तो वो निश्चित रूप से नीचे की ओर जमता है। तो यहाँ पर हम इसे जब अभिक्रिया में लिखेंगे तो अवक्षेप के साइड में हम नीचे की ओर तीर का निशान दर्शाते हैं। तो यहाँ एक अन्य उदाहरण हम देखेंगे अवक्षेप के बनने को समझने के लिए और ज़्यादा उसे सूचनात्मक बनाने के लिए किस ढंग से उसका उपयोग किया जाता है इसे हम समझेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है इस पे जैसे ही सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, जलीय विलयन लिया गया। सोडियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन बनाया गया, AQ के रूप में इसे भी लिखेंगे। इनकी क्रिया से AgCl बना, अवक्षेप बना, इसमें तीर का निशान नीचे की ओर है। प्लस NaNO3 बना, इसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट इसका भी जो जलीय विलयन है वो यहाँ पर बनता है। तो AgCl जो है, AgCl के बनने को, अवक्षेपित होने को हम देख रहे हैं कि तीर के निशान से दर्शाया जा रहा है, ये तीर का निशान जो है वो नीचे की ओर है। तो AgCl यानी अवक्षेप का बनना ये दर्शाया जा रहा है, तीर का निशान नीचे की तरफ है, सफ़ेद अवक्षेप बना है। और अभिक्रियाओं में जितने भी अभिकारक हैं या उत्पाद बने हैं उनको भी हम सूचनात्मक ढंग से प्रदर्शित करने के लिए जो भी सूचना है, उसकी अवस्था है या किन परिस्थितियों में क्रिया होती है उसे हमने यहाँ पे दर्शाया है। अब हम कुछ अलग अलग परिस्थितियों को कैसे अभिक्रियाओं में लिखते हैं, कैसे उसे सूचनात्मक बनाया जाता है इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जहाँ पर ताप की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, दाब की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है तो उसे कैसे लिखा जाएगा। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समीकरण के रूप में कैसे दर्शाते हैं इसे लिखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हरे पौधे होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जब इसे हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो CO2 प्लस H2O और यदि संतुलित समीकरण लिखा जाएगा तो 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 होता है। और तीर के निशान के ऊपर यदि हम इसे सूचनात्मक जो इसकी परिभाषा है उस तरह से यदि दर्शाएंगे तो तीर के निशान के ऊपर हमने सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों ही लिखते हैं। इससे ये समझ में आता है कि यह अभिक्रिया जो है वो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न हो रही है।
तो CO2 गैस है तो इसलिए CO2 के साइड में हमने लिखा जी, H2O द्रव रूप में है तो यहाँ पर L लिखे, और इनकी क्रिया से C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना तो इसका भी जलीय विलयन बना तो एक्वस AQ के रूप में लिखते हैं, और ऑक्सीजन चूँकि गैस है तो यहाँ पर जी के रूप में इसे लिखा जाता है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को जी के रूप में लिख रहे हैं। कुछ अन्य अभिक्रिया को जिसे हमने पढ़ा और इसे सूचनात्मक ढंग से प्रदर्शित करना है, जैसे सिल्वर क्लोराइड के विघटन को, सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश में विघटित होता है सिल्वर और क्लोरीन बनता है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड S यहाँ पर सॉलिड रूप में बना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर बना यानी S, यानी सिल्वर जो है वो सॉलिड रूप में ठोस रूप में प्राप्त हुआ, क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है तो क्लोरीन गैस यहाँ पर बनता है, तो इसे भी हम जी के रूप में लिखे। चांदी के बनने को हमने यहाँ पे Ag के साइड में S लिखा, और AgCl चूँकि ठोस रूप में है तो इसके साइड में भी स्मॉल S ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश लिखते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में हमने ये देखा कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक है उसके अवस्था को प्रदर्शित करना है, उन अभिक्रियाओं में यदि गैस उत्पन्न होती है तो उसे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, अवक्षेप बनेगा तो उसे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, ऊष्मा ग्रहण की जाएगी या ऊष्मा उत्पन्न की जाएगी, बाहर निकलेगी ऊष्मा तो उसे कैसे व्यक्त करेंगे, या इसके अलावा अन्य परिस्थितियाँ सूर्य का प्रकाश, ताप, दाब, उत्प्रेरक, कैसी भी परिस्थिति है तो उन्हें हम समीकरणों में कैसे लिखें कि वह समीकरण बहुत सारी सूचनाएं हमें एक साथ प्रदान करें, इसे हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझा। कुछ प्रश्नों को हम समझेंगे जिसमें अभिक्रिया दी हुई है और अपचयित पदार्थ और ऑक्सीकृत पदार्थ के बारे में पूछा गया है, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन की क्रिया जब होती है, जैसे 2Na+O2=2NaO बना, तो यहाँ सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ तो सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो CuO है जब वो H2 से क्रिया करता है तो Cu बनाता है और H2O बनता है, तो Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन निकलने की क्रिया यानी CuO जो है वो वहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है और H2 जो है वहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो यहाँ एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ में अपचयन की क्रिया हो रही है, CuO यहाँ पर अपचयित हो रहा है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और H2 ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है यानी H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि CuO से ऑक्सीजन निकलना यानी यहाँ अपचयन की क्रिया और H2 में ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। इस अध्याय में हमने बहुत सारे अलग अलग पदों को समझा जिसमें अभिक्रियाओं के प्रकार मुख्य रूप से और अभिक्रियाओं को सूचनात्मक बनाने के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, कैसे उसे व्यक्त किया जाता है, इसे हमने समझा। इस पाठ में हमने अलग अलग अभिक्रियाओं की परिभाषाओं को सीखा और क्या क्या हमने इस पाठ में सीखा चलिए अब इसे देखते हैं। मुख्य शब्द कीवर्ड्स अभिकारक रिएक्टेंट उत्पाद प्रोडक्ट संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन वियोजन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अपचयन रिडक्शन ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स। हमने सीखा रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक तरीका है। एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारकों उत्पादों और उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। पदार्थ की अविनाशिता के नियमानुसार रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है।
संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इस अध्याय में हमने रासायनिक समीकरणों के प्रकार के बारे में समझा और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं उसकी सरल विधि को समझा। साथ ही अभिक्रियाओं के जितने भी प्रकार हैं उनको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी पहचान की जाती है और किन अभिक्रियाओं को किन किन वर्गों में रखा जाता है, उनकी परिस्थितियों को कैसे लिखा जाता है, इसे भी हमने समझा। किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बहुत अधिक सूचनात्मक बना सकते हैं, यानी उसके अभिक्रिया को देखकर, उसके समीकरण को देखकर ही हम उस रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इन सबको बहुत ही विस्तार से पढ़ा। तो निश्चित रूप से यह अध्याय बहुत ही रोचक है और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।